हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस, हम लोग देखने वाले हैं HTML ट्यूटोरियल का पार्ट 15। तो बेसिकली इससे पहले वाला पार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने वेब पेज में चेकबॉक्स इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग अपने वेब पेज में नंबर बॉक्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और ये कोडिंग जो है हम लोग उसको हटा देते हैं। तो बेसिकली ये कोडिंग का कोई काम नहीं है, और आज का वीडियो बहुत ही छोटा होगा क्योंकि नंबर बॉक्स बहुत ही सिंपल है। इनपुट कीजिए, उसके बाद आप लिखिए टाइप, जैसे आप लिखते आए हुए होंगे, उसका स्पेस दीजिए इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन कीजिए, और उसमें लिखिए नंबर, उसको क्लोज कीजिए, और इसमें आप नेम भी स्पेस देंगे तब भी चलेगा। उसके बाद आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है और आपका काम हो गया, अगर मैं सही हूँ तो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये नंबर बॉक्स इंक्लूड हो गया। इसमें कुछ भी अल्फ़ाबेट कुछ नहीं होगा, जैसे मैं अभी ए बी सी क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसमें अल्फ़ाबेट नहीं होगा। तो बेसिकली इसका यूज़ होता है नंबर में। जैसे आप जानते हैं बहुत सारा वेबसाइट में आपका रजिस्ट्रेशन जब होता है तो आपका जो नंबर है फ़ोन नंबर इंक्लूड होता है, तो फ़ोन नंबर में तो अल्फ़ाबेट नहीं जाएगा, तो फ़ोन नंबर के लिए ये नंबर सिस्टम यूज़ होता है, नंबर बॉक्स यूज़ होता है। तो इधर ओनली आप नंबर देख सकते हैं, ये जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये नंबर आप देख सकते हैं, डिपेंड जितना नंबर आप देना चाहते हैं नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और एडिट करते हैं और देखते हैं इसका और एक फंक्शनलिटी। तो बेसिकली इसमें आपको करना यह है कि आप इसमें लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें मिन लिखता हूँ और इक्वल टू देते हैं, उसका डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करते हैं, उसको 0 से लेकर 10 तक देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैक्स इसको 10 करते हैं और इसको सेव करते हैं, उसका देखते हैं क्या होता है। तो इवेंचुअली हम लोग इसको सेव कर दिया, तो देखिए बॉक्स का साइज़ छोटा हो गया बेसिकली। तो इसको मान लीजिए आप कुछ क्लिक नहीं करेंगे तो देखिए 10 से ज़्यादा जा नहीं रहा। तो ये बॉक्स आप देख सकते हैं ये 10 से ज़्यादा नहीं जा रहा। तो आप देखे होंगे बहुत सारा ई कॉमर्स वेबसाइट में जब आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो उन लोग पूछता है कि कितना क्वान्टिटी आप लेना चाहते हैं वो पीसेस का, तो उसमें ये चीज़ यूज़ होता है। तो मान लीजिए आपको 10 पीसेस चाहिए तो 10 पीस आप सेट कर सकते हैं, और मान लीजिए उन लोग का स्टॉक में 5 पीस बचा हुआ तो वो 5 से ज़्यादा स्टॉक देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो क्या करेंगे लिमिट बैठा देंगे 0 से लेकर 5 तक। तो अगर इसको आप 5 में करेंगे, सॉरी इसको आप 5 करेंगे, उसके बाद इसको सिंपली सेव कीजिए, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे 5 से ज़्यादा जाएगा नहीं। तो आई होप गाइस सिंपल सा वीडियो था, आपको एक लाइन का कोडिंग करना है और आपका काम हो गया। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं। इतना ही था पार्ट 15 में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।